उमस भरी गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों के मन में एक ही सवाल है, ये बारिश कब होगी? मॉनसून कहां अटक गया है? राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह भी गर्मी महसूस की गई, क्योंकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने शाम तक गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, हालांकि इससे कुछ समय के लिए ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कल यानी 29 जून से बारिश होगी। मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि मॉनसून दिल्ली से कुछ ही दिन दूर है और पहले 10 दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। दरअसल दिल्ली तक आने वाला मॉनसून यूपी में सोनभद्र जिले के आसपास ठहर गया है। आज दिल्ली पर मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया उसके मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के बाकी हिस्सों, यूपी के कुछ और हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मॉनसून की स्थिति फिलहाल रतलाम, शिवपुरी, रीवा, चुर्क क्षेत्र में बताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि कल के बाद अगले 48 घंटों में यानी 30 जून से 1 जुलाई के बीच मॉनसून के अरब सागर और गुजरात के बाकी हिस्सों, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूरे दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने के लिए दशाएं अनुकूल रहेंगी। इससे पहले मौसम विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की कमी के कारण इस साल 1 मार्च से अब तक केवल 72.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान सामान्य बारिश का स्तर 107.3 मिलीमीटर रहना चाहिए। शहर में मार्च में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई और अप्रैल में 12.2 मिलीमीटर के मासिक औसत के मुकाबले बेहद मामूली 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई और कम बारिश के चलते ही गर्मी बढ़ गई। राजधानी में साल 1951 के बाद से इस साल का दूसरा सबसे गर्म अप्रैल दर्ज किया गया, जिसमें मासिक औसत अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था। लंबे समय तक लू चलने से दिल्ली के कुछ हिस्सों में मई में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। आईएमडी के अनुसार राजधानी में इस साल गर्मी के मौसम में अब तक 27 दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा और इससे अधिक दर्ज किया गया, जो वर्ष 2012 के बाद से सबसे अधिक है। 2012 में शहर में 30 दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया था। 1 जून से मॉनसून का मौसम शुरू होता है। दिल्ली में सामान्य 59.5 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 54.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये बारिश 16 जून से 20 जून के बीच हुई थी। हालांकि स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में भारी बारिश से बरसात की कमी दूर होने और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 29 जून से फिर से बारिश होगी। दिल्ली में मॉनसून के 30 जून या 1 जुलाई तक पहुंचने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 30 जून तक व्यापक बारिश होने का अनुमान है, जबकि 29 और 30 जून को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश के आसार हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।